के बाद सीकर जिले में बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रशासन अब हरकत में आया है। शहर के नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड पर बेसमेंट में संचालित कोचिंग और अन्य गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नगर परिषद की टीम ने करीब एक दर्जन बेसमेंट को सीज किया है। ये कार्रवाई नगर परिषद आयुक्त की मौजूदगी में की गई है और कार्रवाई के दौरान उद्योग नगर थाना पुलिस समेत भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सभी के लिए अभी जो दिल्ली वाला घटनाक्रम हुआ उसमें राज्य सरकार और नगरीय प्रशासन बेहद सख्त है कि जनहित से और छात्र से किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। तो उसी क्रम में जिला प्रशासन के निर्देशन में आज हमारी पूरी टीम दोनों नवलगढ़ और पिपलाई रोड पर जहाँ जहाँ अवैध रूप से बेसमेंट बने हुए वहाँ सीजर की कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई चलती रहेगी। कितनी जगह कार्रवाई की गई है अब तक? अभी 14 सीजर कर चुके हैं हम नवलगढ़ रोड पे और पिपलाई रोड पे हमारा एक चल रहा है साइड वायर और ये अभी चलता रहेगा। ये इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जगदीप, देखिए, राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, बेसमेंट में कोचिंग जो संचालन हो रहा था उसके बावजूद भी यहाँ पर जो देखने को मिली है, जिस तरीके से आधा मानसून बीत चुका है, लेकिन सीकर जिले में एक बड़ी लापरवाही कि बेसमेंट में अभी भी कोचिंग का संचालन हो रहा है। फिलहाल इस पर जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, आधा मानसून बीतने के बाद में जो है स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद जो है हरकत में आई है और आज इन्होंने जो है करीब 2 दर्जन के आसपास जो बेसमेंट में संचालित कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लाइब्रेरी है या अन्य जो गतिविधियां हैं उन पर जो है इन्होंने कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान जो है भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा है। वही जो अधिकारियों से जब इस बारे में पूछा गया कि इस घटना को जो दिल्ली में घटना हुई थी उसको काफी समय बीत, करीब 1 महीने के लगभग हो चुका है, उसके बाद में अब जो है स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और बेसमेंट में जो संचालित गतिविधियां हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कक्षाएं हैं, लाइब्रेरी है, इस तरह की जो गतिविधियां चल रही है उन पर इन्होंने कार्रवाई की है। तो इतनी लेट कार्रवाई करने का क्या कारण रहा? तो नगर परिषद आयुक्त ने इस बारे में यह कहा है कि जो कानूनी पेच दाव थे, जो कानूनी अड़चने थी, उनके अनुसार विधि के अनुसार जो है प्रक्रिया की गई। पहले इनको जो नोटिस दिए गए, नोटिस देने के बाद में जो है अब जो है कार्रवाई की गई है। तो यह माना जा रहा है कि यहाँ कुछ कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है, क्योंकि पहले कई बार ऐसा देखा भी गया है कि काफी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या अन्य जो लाइब्रेरीज है वो जो है बेसमेंट में संचालित कर रही थी। इसको लेकर के एनडी की टीवी की टीम ने पहले भी इसको उजागर किया था और वहां पर अपन ये माने तो नवलगढ़ रोड पर काफी जो है जल भराव की समस्या भी रहती है। बारिश के समय वहाँ 3 से 4 फीट तक जल भराव भी होता है, जिसके चलते पिछले मानसून में एक छात्र की गड्ढे में गिरने से मौत भी हुई थी और इसी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने इस बार भी मानसून में किसी तरह के ना तो जल निकासी प्रबंध किए और ना ही जो बेसमेंट में संचालित कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो कक्षाएं थी या लाइब्रेरी थी उनके खिलाफ समय रहते इन्होंने कार्रवाई की है। तो इस तरह से स्थानीय प्रशासन की लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं जरूर सामने आ रही है, लेकिन देर सवेर स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद ने आज कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो बेसमेंट में संचालित कोचिंग इंस्टीट्यूट है या अन्य जो गतिविधियां हैं, लाइब्रेरीज है, उन पर सीजर की कार्रवाई की है और इस दौरान जो है पुलिस जाब्ता भी एहतियात के तौर पर भारी संख्या में जो है तैनात रहा। जी बिल्कुल ठीक है जगदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।